प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में 5,000 रुपए मिल सकते हैं, इसके लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शादी थी उसमें जो नीचा टेंट में मैट नहीं बिछाए गा हर रंग के लिखोलिया तो नहीं था वो एक टेंट का वो मैट भूल के दियो जब मरता तो मेरे तो नहीं बता दिए भाई फेरे का टाइम होगा ले ले हम तो ले लेंगे ठीक है तेना 11 लाख बना लेने 15 बुलाने 20 बुलाने उधारी मर्जी नहीं चाहिए अपनी बोली बग्गी तो फिर सब कुछ बग्गा बग्गा अगर आपने मतलब पढ़िया नहीं होता मेरे ख्याल से आप सारा काम अपना खुद ही संभालते होगी टीम पूरी है। हाँ जी बिल्कुल। अगर नहीं पढ़े तो शायद और कोई बंदा रखना पड़ता पढ़े लिखा चैनल पर देख रेख करने पर्सनल मैनेजर दे दा वो किसी भी देश के दे दा किसी के देश जाले तो वो इंग्लिश कटेंगे चाहे तो किसी हमने शुरू शुरू में मतलब उसका गेला बात करी एक बार मतलब उसका कॉल आया भी नुनगर का मैनेजर तो पहले तो हम डर गए मखो भाई यू के बोलेगा पहले तो कई महीने तो साहब ने उसका फोन आते हम ठावा ही नहीं थे काट देते भाई इसका गेला किस तरह बात करेंगे फिर वो चीज़ सोची भी अगर पढ़े लिखे होते तो थोड़ा और ज़्यादा मतलब इंग्लिश में हम बात भी कर सकते पर इवन अभी थोड़ा बहुत देखो काम सारा भी क्यों इसमें भी इंग्लिश ही है सारी इसमें भी हिंदी तो कुछ है नहीं है हिंदी में वीडियो तो बना सका अपनी लैंग्वेज में बाकी बहुत सा काम ऐसा भी हो देखो कागज पत्र वाला जो वो तो इंग्लिश का ही है तो अभी कोशिश कर रहे हैं अभी हम भी सीखने की भी थोड़ी सी और सीख लें इंग्लिश उंग्लिश ताकि हम थोड़ा सा और चेपा दे सका बाकी उस राम राम तो मान पिस कह दी राम राम ही करा का मतलब अंग्रेजा तैयारी आनी सिखा दी तो आंधी करा राम राम जी राम राम जी उस तब बाद फिर वो अपनी छेड़ा फिर मैं चुप हो जावी राम राम पे बात आ गई मतलब देसी लहजे बात आ गई है तो देसी लहजे की अगर बात करें ना लविस जी तो क्या है कि मतलब अपने हरियाणा में जो फेमस है ना अगर वो अपना हरियाणवी लैंग्वेज बोले तो ठीक है अच्छी बात है मतलब उसको प्रमोट करते हैं अगर कोई देसी मानस की तरह जाकर बोल पड़े तो नहीं कहते तो नरा गुड़ू छे नहीं आया कुछ भी वो तो है जी देखो जिस तरह कहते अगर बंदा एक करोड़पति आ उसका पता लोग है ना मैं करोड़पति आ वो साइकिल पर चला गा कहेंगे बड़ा यार डाउन टू अर्थ बंदा है तो बड़प्पन है इसका देख साइकिल पर चला यू नुआ और एक बंदा जो बेचारा गरीब आ वो साइकिल पर ही चल रहा उसने कहेंगे तो साला गरीब आ साइकिल जो गई रह गया तो ते लोगों की सोच में फर्क आ मतलब हम तो यही कहवा चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा अपनी मातृभाषा तो किसी ने छोड़नी चाहिए नहीं अपनी उस वो बोलो बाकी तो लोगों की सोच है तो जो जो जिनकी जो इच्छा कह लेंगे अपने कह लेंगे मतलब कुछ भी हो पर अपनी बोली नहीं छोड़नी हाँ अपनी बोली नहीं छोड़नी चाहिए अपनी बोली बग्गी तो फिर सब कुछ बग्गा बग्गा बोली क्या लगा बग्गा क्योंकि अगर बात करें ना तो मतलब अपने हरियाणा में कोस कोस पे पानी बदल जाए है 3 कोस पे पानी बदल जाए है अलग अलग लहजा सारिया का बिल्कुल है जी सर हम देख ले हम मतलब रिश्तेदारी में ही है वैसे तो और यूनिवर्सिटी में कई साल था मतलब हमें कोई 2016-17 में थे मतलब यूनिवर्सिटी में उस टाइम तो हम इकट्ठे ही आ और आज भी इनकी बोली थोड़ी अलग हमारी अलग आ मतलब ना इन पा मारा रंग चढ़ा ना मार पाई नाला रंग चढ़ा सब ना अपना बेचारा क्या बेचारा क्या सब ना अपना अपनी माँ बोली छुटनी भी नहीं चाहिए छुटनी नहीं चाहिए ये भी थोड़ी बहुत फर्क है मतलब इनकी भाषा हमारी भाषा में तो जो डायलॉग लिखा यू अपनी भाषा में लिखा पर बोलने में उसने अपनी भाषा में मैं कहीं छोटू अपनी छोड़नी भी नहीं चाहिए अपनी मात सीखी है मजा भी उसमें ही आवा मतलब टच एक बोलने का जो लहजा हुआ नहीं है बढ़िया डाल एक फ्लो में बोला बंदा फ्लो में तो फिर अपनी भाषा में मतलब हम एक हिंदी में जो हमारी भाषा है वो अलग है फिर तो हो जाएगा देसी के दर पर भी चल देखो जी मतलब कोई ऐसा करेक्टर है देखो भाई हिंदी का या जो हिंदी में बोलना या थोड़ा मतलब वो तो देखो निभाना ही पड़ा लेकिन एक ऐसा अभी तेरे पास एक करेक्टर आता ना पूरा मजा था बोलना तो तेरी जो भाषा तो बोल ले कोई दिक्कत नहीं है हम जिस तरह बहुत सारी मतलब लड़कियां के लिए भी काम करा तो कोई मतलब किसी एरिया की है जिस तरह यमुनानगर की थी या उस साइड की थी मतलब असंध साइड की तो हम तो से कहते भाई अपनी भाषा में बोल रहे हमने कोई दिक्कत नहीं है आप हम तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे आप वो एक्सचेंज कर लो उसने जिस तरह काम इस प्रकार का कि उसमें मजा आवे बिल्कुल बिल्कुल बोझ ना हो चीज हाँ वो फ्लो में लिखड़ जा फिर अपनी लैंग्वेज में ही सही रहो चलो इस दिन न्यूज़ जाना चाहो हमारे दर्शक की शादी कब करवा रहे हो मैं तो पहले भी कई बार बता रहा हूँ हम तो खुद बाटा में बैठे कद मारा नंबर पड़ा हमने तो मैं सही था मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने कभी सोचा और ना मैं सोचना चाहता मैंने तेरू कह रहा घर कहता भी जब थोड़ा जी करेगा मैंने 2-4 महीने पहले बता दियो अब तैयार है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा नहीं और बताओ मोटे क्यों नहीं हो रहे मोटा होगा तो की करना मोटा होगा तो फिर
चलन फिरन तो ज्यादा तंग हो जाओ। मेरे ख्याल से योगा या ज्यादा करो ना, कर दे तो कुछ नहीं है। योगा तो मैं जे इसी वास्ते करा जे ओए जा कोशिश दमा ना कर ली पर अंदर के करा। पर पता है कुछ रोल ही से हो गया किसी फिट बैठा है, जैसे अब बाप का रोल है गुरजीत करा है, मतलब ऐसा फिट बैठ जाए जो सच्चे में आपके पिताजी हैं। आप बताओ बस यू लिखा कभी नोनो कर का बोलना मेरे मेरे दिमाग में बैठा लो कभी मन तो इसका बाप बनने एक साहब थे स्क्रिप्ट पढ़ते मार दे एक दो थप्पड़ तुम इसका हर थप्पड़ का तो मैंने इतना एक्सपीरियंस हो रहा है चोर में लो बैठो इस तरह ना उन्होंने पब्लिक ने भी इसका असली मार दिया पर जाएगा जब मिला नहीं। तो असली तो पिताजी बन रहे हो। हाँ असली में मैं तो फीलिंग है पूरी एक बार हम मतलब मेरे भाई की सालगिरह थी तो उस टाइम और ढीदा कर आई तो मतलब बोले भी चल बाहर खाना खा का आवेंगे तो सारे फैम जले तो बाकी तो सारे थे तो मेरे मतलब फादर साहब नहीं थे यो था उसकी जगह थोड़ा बैठे रोटी खाते खाते इसको पता क्या खाते कह रहा यार मैं सच्ची में तेरा बाप बड़ा रोल नहीं बहरा करा तेरे बाप की जगह रोटी खाने में ही आ रहा है बाहर डिनर करने ठीक है भाई के कर सका भी तेरा। देखो एक वो समय था जब आपने मतलब स्टार्टिंग की थी इस चीज की, मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि वैसे टाइम पास कर रहा है न्यू है तो मतलब ताने सुनने को भी मिले होंगे। हाँ तो यही तो कहना मान बंदे शुरू शुरू चिकाला ही पैदा ने तो स्टार्टिंग में देखो कुछ भी आप नवा काम करेंगे क्योंकि इस फील्ड में तो उस टाइम तो फिर भी मतलब कम था और इस फील्ड में मतलब इस एरिया में तो यह फील्ड है ही बहुत कम है तो पता भी नहीं था मतलब आज भी नहीं पता लोगों ने अभी यहाँ करना कि है नू अभी ठीक है एक वो तो गया अभी कामयाब हो गया बंदा उस चीज़ का तो है लेकिन उस टाइम तो नहीं पता था अभी कामयाब हो माना खुद नहीं पता था हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। पहले जो वीडियो शूट करती थी उसमें मेरा बाप का ही रोल था मैं अपना इसके पापे का मैं कुर्ता पजामा पहन रहा खेसी ऑर्डर उसकी जो चाची मतलब इनकी चाची है जो वो बाहर बैठी कुर्सी बाहर मेरे रोल में बैठा पूरे कुर्सी पर मेरे लगे ना योला घर का बग्गी अम्मा चाची मैं उधर अब तीजा मैं को रे भाई तन तो डराई दी थी बोले बैठा गई मतलब इस तरह भी था मतलब पता नहीं था क्या कर रहे मैं अभी आया तो असली में यू कोई आ रहा है वो मतलब एक पहले आपकी वो आती थी मतलब आपने बहुत सारी वीडियो एडिटिंग की है मतलब कौन बनेगा करोड़पति मैं वो ताऊ के लिए अमिताभ बच्चन भी ताऊ बना दिया ओ तो बड़ा मतलब एंडी बंदा एंडी बंदा के अगर देखा जाओ तो देख उसमें मतलब है यंत्र तुम्हारे पर कुछ भी नहीं थे मतलब जो बना हो सारा VFX हुआ तो VFX का मतलब यंत्र तो कहना टेक्नोलॉजी तो कुछ भी नहीं थी हमारे पास। मेरा भाई की शादी थी उसमें जो नीचा टेंट में मैट नहीं बिछाई करा हर रंग के लिखोया तो नहीं था वो एक टेंट का वो मैट भूल के दे शादी थी उसमें जो नीचा टेंट में मैट नहीं बिछाई करा हर रंग के लिखोया तो नहीं था वो एक टेंट का वो मैट भूल के दे तो मतलब बस उस टाइम मतलब दिमाग ऐसा था भी अपना चीजें बनानी है कहाँ था जगाड़ मेंट ला किस तरह बनाई तो उस मैट पर ध्यान पड़ेगा मैं खैर इसका यूज हो सकता हरा रंग का और दो का समार का साफ करके अपना जड़ दिया कंध पर मेखा गेला और उस पर ही वो वीडियो बनी हुई है जो मतलब लोगों ने आज लगा भी जो रियलिटी में बैठा उसमें मतलब बिना टेक्नोलॉजी की एक देसी जुगाड़ लगा ही सारी वीडियो बनी हुई है। देखो कुल मिला बात यह जिस बंदे ने करना ना कुछ भी करके जुगाड़ तुगाड़ लगा के करेगा इंडिया में तो कहना इंडिया तो यही जुगाड़ूंगा का देश जुगाड़ लाओ और अपना काम करो और भी ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया देखो ना तो हमने कोई अपनी लाइफ बदली है मतलब थोड़ा सा यो तो है कि मैं तो शुरू था यो तो पब्लिक तो दूर रहना पसंद करूं मैं एक शांत समूह में ज्यादा कोई इस तरह किसी की ब्याह शादी या किसी का फंक्शन में बहुत कम जाया करूँ तो जो चीज शुरू था ही बाकी जाटा जाना हुआ थोड़ा तो आज भी हम नॉर्मली जावा मिल जा कोई हाँ भाई आ जा फोटो तरावा अपना राम राम करा ठीक है तो हमने कोई ऐसा सोचा ही नहीं भी हम स्टार है या सेलिब्रिटी था या लोगों ने कुछ लगता हमारा पता नहीं तो आज के टाइम में तो मेरे गांव वाले बंदा ने तो अगर होता होगा ना भी हो जाएगा घर की मुर्गी दाल बराबर है नहीं हम तो गाँव में भी नहीं मिलते किसी ना। अच्छा मैं तो मतलब घर भी बैठा हो तो एक अपना कमरा में तो एक तो घर के ननू हो गया जी हम तो फोन में जे हम इंस्टाग्राम भी चला रहे या कोई रील भी देख रहे घर के ना तो नू अभी तो काम कर रहा है ना छेड़ो एक तो यहाँ फैसिलिटी मिल रही है मतलब ये भाई हो अच्छा पहला काम भी करना तेनू लगाई तो पहला पहला तो हाँ पहला तो यहाँ क्यों काम भी करेगा ना तेनू सारा दिन फोन में लगे रहे न्यू और फलाना टिकटा पहला तो बहुत कुछ सुना ईब नू अभी ईब जब हम बेले भी कुछ भी टाइम पास करे तो लोग मतलब घर के ननू अभी तो काम कर रहे हैं ना छेड़ो बाहर की नजर में पता नहीं है घर के नजर में जरूर सेलिब्रिटी कह नहीं कुछ काम वो तो टोक दे नहीं अभी अपना ठीक है तो रवीश जी मतलब आपके चाहने
वाले हैं बहुत है आपको पता है, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए, क्या संदेश? संदेश भी है भाई, चाहते ही रहो, हम तो अपना काम करते रहेंगे, एंटरटेनमेंट करने का हमारा काम हम करते रहेंगे, प्यार सपोर्ट बनाए रखो। जल्दी लो भी शादी भी करने वाला फिर बस घर क्या की बात है ना सारा ना 1.1 मिलियन 11 लाख बंदे रोटी कर दिया 11 लाख की क्या के देखो चाहने वाले आएंगे, देखो चाहने वाले फिर चाह भी तो पियेंगे, चाहने वाले तो चाह पीवांगे। देखो मैंने तो मतलब आज तक 5-7 साल पहला स्टार्ट करा था, ठीक है, इब तो मैंने सारा स्कै का ट्रेंड कर कहीं तक सौंप रहा, क्या देख लियो भाई थाना जुड़ जुड़ से बुलाना मम तो ये तो शादी पहले करवाई है, हम बड़े तो बैठे हैं, मतलब ही काम धंधा सारा भी यहाँ देखा नहीं, हम तो बैठे हैं, जब मरते तो मेरे तेन बता दिए भाई फेरे का टाइम होगा ले ले, हम तो ले लेंगे ठीक है, तेना 11 लाख बना लेने, 15 बुलाने 20 बुलाने उधारी मर्जी वाली फीलिंग लेगा अंदर तो वो तो लेनी पड़ेगी भी, बाकी काम तो फिर टीम से मारेगी, हाँ काम धंधा तो यार फीलिंग लेनी पड़ेगी इसी दिन के, और फिर 11 लाख लगेगा। देखो आपने बाप का रोल बहुत निभाया, आगे भी निभाते रहोगे, तुम तो एक बाप होने के नाते क्या कहना चाहोगे बच्चों ने, क्योंकि आज की जनरेशन कितना ना कितना भटक भी जा है, एक नशे नशे की तरफ भी चली जाए, तो बताओ क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीलिंग आप खुद भी पिता हो और वो फीलिंग खूब ली आपने। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो हमारी वीडियो नी सारे घर के देखे करो, ठीक है, बाप तो खास कर जागता के और देखे करो भी यू बच्चे ना समार रहा है किस तरह, और जना समुरानी में अपना वही रोल अपनाओ, डंडा ठाओ तड़की फिर लपा दो उनका, भाई पढ़ो लिखो काम करो, मतलब पहले ये चीज असलियत में अगर तो फर्क पड़ गया, मतलब जो हम दिखाओ वीडियो में सब एक सेप्ट ने अपना जो पूर्वज थे मतलब जो भी बुजुर्ग थे जो उनके रीति रिवाज दिखाओ आज भी वीडियो में, क्योंकि जब तभी पता चला था लोगों ने कि हाँ पढ़ाई भी कुछ है, जब तो 10 करना 12 करना नूलो है गाँव में अच्छा पढ़ा लिखा है, आज तो 10वीं 12वीं में कहना ठाक हो फोन चलो भाई वीडियो बनावा सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम चल गया व्यू, मतलब पब्लिक नहीं बच्चे जो पढ़ाई तो दूर हट गए इस चीज़ से, क्योंकि सरकार ने भी यू काम कर दिया कि स्कूल में बच्चे फोन लेकर जाओ खुद दे रखे यह चीज़ भी गलत है।